हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सर, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसमें आपके समस्त सब्जेक्ट्स के सिलेबस को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग आपके विद्या क्वेश्चन बैंक से पुटअप किए जाने वाले क्वेश्चंस और लेसन से जितनी चीजें इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, आपको बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके फर्स्ट चैप्टर अर्थात जैव प्रक्रम, इसके अलावा प्रजनन और आनुवंशिक, तीन लेसन, ये मस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। इन तीनों लेसन को मिलाकर आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोचिए, अकेले तीन लेसन जो होते हैं बायोलॉजी के, तीन लेसन सीधे सीधे 20 नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये कैसे प्राप्त होंगे यह समझिए। जैव प्रक्रम, प्रजनन और आनुवंशिक तीनों चीजों को वन बाय वन करके हम लोग खत्म करेंगे। खास करके ध्यान रखेंगे अपने सीरीज में जितने क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन इस छोटे छोटे सेशंस में इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि आपको सीरीज रटनी न पड़े, याद न करनी पड़े। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये सुन लीजिए सीरीज के बारे में। जब आपकी सीरीज फॉर्मेट की जाती, बनाई जाती है, तो उस समय लगभग 60% मार्क को ध्यान में रखा जाता है। कि कितने परसेंट मार्क, अगर आप पूरी सीरीज को लर्न कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, केवल सीरीज लर्न करके गए हैं, तो नियर अबाउट 60% से कम मार्क्स आएंगे, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन यदि आप लेसन को पढ़े हुए हैं, वंस अगेन सीरीज को भी ध्यान में रखते हैं और किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो वो 60% सीधे सीधे 85 से 90% के आसपास कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस चीज को अटेम्प्ट करने के लिए, इस गोल को प्राप्त करने के लिए। स्टार्ट करते हैं आपका पहला लेसन, पहली यूनिट, जो तीन लेसन को एक साथ ऐड करते हुए 20 मार्क्स प्रोवाइड करते हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं इसी उद्देश्य के साथ कि 85 से 90% पार। स्टार्ट करिए और स्टार्टिंग में सबसे पहला आपका लेसन है, लेसन का नाम यही है कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा एकदम पूरी तरह से, जीवों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे हम हो गए चाहे हमारे पौधे हो गए, भाई हम भी जीवित हैं और प्लांट भी जीवित है, हमारे पौधे भी, जितनी क्रियाएं उनमें होती हैं, जैसे कि आप में क्या क्या होता है भाई, आप में होता है श्वसन होता है, पोषण होता है, पाचन होता है, परिसंचरण होता है, विक्षेपण होता है, सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ये सारी चीजें, जो भी चीजें जीवों के अंदर क्रियाएं होती हैं, वो सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से सुनिए, आपके अंदर, हमारे अंदर, हमारे पौधों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम। जैसे में आप बताइए, जैसे में पोषण हो गया, श्वसन हो गया, सर्कुलेशन हो गया ब्लड का, और परिसंचरण हो गया, उसी में इन्वॉल्व हो जाता है, है ना। ये सारी चीजें जो भी होती हैं, सब किसके अंतर्गत आती हैं, जैव प्रक्रम। छोटी सी अगर इसको और तोड़ के समझें, तो आप समझिए, जैव का मतलब होता है जीव, क्या होता है, जीव होता है, और प्रक्रम का मतलब होता है उसके अंदर की क्रियाएं, इसके अंदर की क्रियाएं। इस बात को ध्यान रखेंगे, अर्थात जीवों के अंदर की जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती, संचालित होती हैं, सभी क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। बातें क्लियर हो रही हैं, ध्यान से सुनिए, सीरीज आपके विद्या क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चन को इसी के अंतर्गत इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। बातें समझ रहे हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताया था कि जो 60% के एवज में आप मान के तैयारी करते हैं, वो सीधे सीधे 85 से 90% के आसपास पहुंचेगी। तो तैयार हो जाइए लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए और एग्जाम को क्रैक करने के लिए, है ना। स्टार्ट कर, ये था आपके जैव प्रक्रम का प्रोसेस। अर्थात जैव का मतलब क्या बताया गया, बोलिए, जैव का मतलब जीव,
और प्रक्रम का मतलब उसके अंदर होने वाली क्रियाएं, अर्थात जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब किसके अंतर्गत आती हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत। अब जैव प्रक्रम में खास करके ध्यान रखेंगे, जैव आपके लेसन में खास करके एक प्लांट के बारे में पढ़ना है, प्लांट और एक तरफ एनिमल्स के बारे में, और हम आपको इन दोनों के बारे में कुछ इस तरह से समझाएंगे बताएंगे कि एक बार में एकदम सेटअप हो जाएगा माइंड में, आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में याद हो जाएगा और एग्जाम एकदम धूम मचा के आएंगे आप लोग। पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट के बारे में, प्लांट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट जो टॉपिक है वो यहां लिख दिया जाता है, प्लांट अर्थात पौधे। अब पौधों के बारे में समझिए, अब पौधों के बारे में आप समझिए, पौधे जो होते हैं, अगर हम एक प्लांट का डायग्राम ड्रा कर दें तो आप समझिए एक प्लांट का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का, छोटे से एक प्लांट को डायग्राम में ड्रा करिए, एग्जाम में ऐसे ही ड्रा करिएगा, अगर एग्जाम में फोटोसिंथेसिस से कोई भी चीजें आ जाती हैं, प्लांट से संबंधित आ जाती हैं, तो सिमिलर ऐसे ही दर्शाइएगा जैसा बनाया जा रहा है, एकदम सिंपल है, दर्शा दीजिए दो इधर उधर कॉलम कर दीजिए, बीच में से ऐसे रूट निकाल दीजिए उसके, अरे भाई ये तो सॉइल में ऐसे गड़ा होता है ना उसका रूट, और इसके ऊपर आप कहेंगे सर ये भाई बना दीजिए, लीजिए एक प्लांट बन गया, आप कुछ भी कर दीजिए, ये देखिए एक प्लांट बन गया। प्लांट में और एनिमल्स में अगर एनिमल्स को देखा जाए कंपैरिजन करके प्लांट की तुलना में, तो एनिमल्स जो होता है वो फीडिंग करता है अपने भोजन को प्राप्त, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए क्या करता है, फीड करता है, भोजन को खाता है, लेकिन प्लांट में भाई उसके पास माउथ तो नहीं होता, तो वो कौन से प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये भी लाइफ उसके लाइफ प्रोसेस का ये पहला छोटा सा पार्ट है, या कह सकते हैं उसके पूरी लाइफ को एक्सपेंड करने वाला एक पार्ट है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करता है, अर्थात क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसी के अनुसार प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ समझ लीजिएगा स्वपोषी भी परपोषी भी, जितनी टॉपिक आसपास की होंगी भाई 60 से डायरेक्ट 80-85 से 90% कैसे आ जाएंगे, ऐसे आएंगे भाई कि जो एक टॉपिक उठाई जाएगी उसके आसपास के सराउंड की जितनी टॉपिक्स होंगी उसको क्लियर कर लिया जाएगा, तो भाई बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगी, मिल जाएंगी, जिससे आपके परसेंटेज को काफी इंक्रीज कर दिया जाएगा, है ना। आप इस बात का ध्यान रखिएगा फोटोसिंथेसिस का फैक्टर घटक पूछ देता है कि भाई फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें मिलती हैं तब प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। तो आपके सीरीज आपके क्वेश्चन बैंक्स में दे दिया है भाई प्रकाश संश्लेषण के घटक क्या क्या हैं, सिंपल है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि प्रकाश संश्लेषण के जो घटक होते हैं जितनी चीजें उसके साथ इन्वॉल्व होती है, जैसे अगर हम फार्मूले की डायरेक्ट बात कर लें फोटोसिंथेसिस की तो उससे एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाता है ना। दूसरा भी क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, फोटोसिंथेसिस का फार्मूला पूछता है, तो फार्मूला है यहां पे मैं इरेज कर देता हूं और यहीं पे फार्मूला लिख देता हूं, काफी लंबा होता है तो थोड़ा सा शॉर्ट वे में आ जाएगा, है ना। फार्मूले में अगर आप समझ लेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। आप समझिए फार्मूले में 6CO2+ अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड इसके घटक एक घटक हो गया, प्लस और क्या क्या है भाई बताइए बताइए बताइए, 12H2O अर्थात दूसरा घटक उसका वाटर हो गया, दोनों चीजें मिलकर प्रकाश संश्लेषण और पर्णहरिम की उपस्थिति में, एक तरफ आप एरो में अगर एक सिंगल एरो बनाते हैं तो एक तरफ सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और नीचे क्या लिखेंगे हरित लवक या हरित लवक, हरित लवक सॉरी हरित लवक, ठीक है।
अब आप एरो डबल एरो भी दर्शा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं होती है, है ना। अर्थात हम फोटोसिंथेसिस में ये घटक इसके, वन बाय वन समझिएगा, आपकी सीरीज के क्वेश्चन को एकदम सिंपलसिटी में समझाया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला भी याद हो जाए आपको। अच्छा, कहीं कहीं ये हरित लवक ना देखिए पर्ण हरिम दिया है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, सिमिलर एक ही है सब, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक, ये चार मुख्य घटक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करते हैं, है ना। दो दो चीजें एक साथ पढ़ रहे हैं, एक तो उसके घटक को भी पढ़ ले रहे हैं और दूसरा फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जा रहा है। और प्रोडक्ट्स में क्या क्या रिलीज होता है, वहां से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई C6H12O6+, अर्थात ग्लूकोज रिलीज होता है, इसके अलावा और क्या क्या रिलीज होते हैं, इसके अलावा वाटर रिलीज होता है जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स H2O के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, जुड़ जाते हैं, प्लस आगे जगह नहीं है आप नीचे लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज रिलीज होती है जिसका नाम है 6O2। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का इंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद क्या है। तो अंतिम उत्पाद क्या है, अंतिम उत्पाद है बाबू 6O2 अर्थात ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन है। बातें क्लियर हो रही है, प्रकाश संश्लेषण के का सूत्र एक साथ, और जो सूत्र है यहां से लेकर यहां तक ही उसके घटक है, सबके सब क्या है, इसके घटक है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स में जो रिलीज किया जाता है वह ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। यहां से एक क्वेश्चन होता है, आपसे बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी नंबर को, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, इस बार तोड़ के आना है पूरी तरह से। आप समझिए इंड प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इतनी बातें सही हो गई, बातें क्लियर हो रही होंगी आई होप। कि फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट किया जिसमें एक प्लांट को बनाया। अब आप समझिए इस बात को, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कैसे होती, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप समझें इस बात को पूरी तरह से। फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए ये देखिए, मैंने एक इसको छोटा कर लिया ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। सॉरी, ये एक प्लांट हो गया, इसकी जो रूट है नीचे ऐसे आप दर्शा सकते हैं, एग्जाम में तो बहुत जल्दी जल्दी बनाना होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां सन प्रेजेंट होता है, सॉरी, यहां आप एरो दिखा देंगे फोटोसिंथेसिस में। जब भी आप बायोलॉजी में कोई क्वेश्चन को आप राइट पेन डाउन करते हैं, उसके साथ अगर फिगर को ऐड कर देते हैं, तो आधे मार्क्स तो आपके फिगर देके चले जाते हैं। सपोज दैट अगर कोई टॉपिक लेंदी है, बहुत बड़ी है, लॉन्ग है, तो अगर वो 5 नंबर 6 नंबर या 8 नंबर में पूछी जाती है, उसमें कोई फिगर इन्वॉल्व है, आपने फिगर को ड्रा कर दिया, तो वो 50% मार्क अर्थात 4 नंबर तो ऐसे ही फिगर देके चला जाता है, और 4 नंबर के आसपास 3 नंबर के आसपास आपके राइटिंग के ऊपर मिल जाते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप ऑब्टेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। भाई इसी तरह तो परसेंटेज को इंक्रीज करना है ना। तो आगे समझिए, फिगर ड्रा कर दीजिएगा, कौन कौन से तत्व हैं, ये प्रकाश, प्रकाश है, और पत्तियों में क्या उपस्थित होता है, पत्तियां हरी भरी दिखाई देती हैं, आप भी जानते हैं पत्तियों में उपस्थित क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो मानव या दूसरे जीव या हमारे वाहन जितने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ये अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, सोख कर और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। फिगर आपने अगर ऐसे बना दिया तो बहुत बेहतर, सारी चीजें घटक भी पूरी तरह से क्लियर हो जाती हैं, और क्या हो जाता है, आप जान जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इन्वॉल्व है, है ना। नीचे लिख दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस
प्रोसेस, ये सी रहेगा प्रोसेस, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और आपने इतने फिगर में इसको डायग्राम में ड्रा करके दिखा दिया। बातें पूरी तरह से क्लियर हो जा रही हैं। दो क्वेश्चन खास करके यहां से होते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आपने याद रख रखा है भाई कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आपको घटक पूछता है, घटक भी कंफर्म हो गया भाई, जितनी चीजें प्रकाश संश्लेषण में इन्वॉल्व हैं, भाई क्या क्या इन्वॉल्व है, मैंने फिर से आपको दर्शाया क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर इन्वॉल्व है, सूर्य का प्रकाश है, और हरित लवक पर्ण हरिम है। ये सारी चीजें इसके घटक हो गए। एक और क्वेश्चन क्या था, छोटा सा क्वेश्चन, कि इंड प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे उसका आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो आखिरी उत्पाद क्या होता है बाबू? ऑक्सीजन। यही तो होता है ना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछता है कि भाई आपके क्वेश्चन बैंक में खुद ऐसा दिया था कि कच्चे कोई वस्तु जो होती है उसकी कच्ची सामग्री क्या होती है, या किसी जीव की कच्ची सामग्री क्या होती है? तो भाई समझिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जीवों के अंदर इन्वॉल्व जाती है, हमारे अंदर जाती है, आपके अंदर जाती है तो भोजन को ब्रेक करने में मदद करती है, अर्थात भोजन का पाचन करने में मदद करती है, वो खुद टूटती है और भोजन को पचाने का काम करती है। साथ ही साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की दूसरी कच्ची सामग्री की बात कर ले, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट में जाती है, और ऑक्सीजन कहां जा रही थी? जंतु में जा रही थी, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में जा रही है। दोनों जाकर क्या करती हैं? अपने अपने बेसिस पे भोजन का निर्माण करती हैं, न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करती हैं। बातें समझ में आ रही हैं? तो कच्ची सामग्री दो हैं, एक ऑक्सीजन है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जाके किसी जीव के अंदर उसके पाचन में मदद करता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर जाकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है। आई होप कि सारी चीजें छोटी छोटी पॉइंट से क्लियर हो रही होंगी। एक भी मार्क्स को मिस नहीं करना है, उसको अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना है। लगे रहिए एकदम पूरी तरह से ध्यान से रखेंगे। तो ये पूरी चीजें हो गई फोटोसिंथेसिस की। अब एक और टॉपिक है एक्स्ट्रा में, समझ लीजिए कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं क्या कहलाते हैं? आप भी जानते हैं, जब आप आठवीं में थे, छठी में थे, तब से ये पढ़ते जा रहे हैं क्या भाई, कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, स्वपोषी, स्वयं का मतलब स्वपोषी, और ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण दूसरे से करते हैं परपोषी। लाइक दैट एग्जांपल में जैसे बता सकते हैं कि स्वपोषी में पौधे होते हैं और परपोषी में जंतु होते हैं। स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण की बात की सारी क्रियाएं, इसको इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसको जो है कि, या तो अपने कॉपी में कहीं अपने रफ पे कहीं पेन डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि सारी चीजें एकदम बेहतर बनी रहे दिमाग में, एग्जाम में आप एकदम पूरी तरह से जो भी चीजें आ जाए उसको बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर सके। इसके अलावा अगर हम प्रकाश संश्लेषण के घटक, एक और क्वेश्चन आपके सीरीज में दिया गया है कि किसी जब जलीय पौधों के अंदर, मान लीजिए ये जल है, ये कोई जल है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स पाए जा उपस्थित है, ये कोई प्लांट है ढेर सारे जल के अंदर, तो कह रहा है जहां बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स उपस्थित होते हैं छोटे छोटे जल में, वहां से बुलबुले निकलते रहते हैं, जल के ऊपरी सतह पर बुलबुले निकलते हैं। भाई क्यों निकलते हैं? आप जानते हैं सबसे इंड प्रोडक्ट क्या बताया गया था आपको, क्या होता है? ऑक्सीजन O2 होता था। तो भाई यहां भी तो प्रकाश संश्लेषण होता है, जल के अंदर भी हो जाता है, प्रकाश कुछ मात्रा में अंदर जाता है और वहां फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहां से भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं, तो बुलबुले के रूप में क्या होता है, बाहर की तरफ निकलते हैं। आई होप की बातें समझ में आ रही होंगी। फोटोसिंथेसिस का ही पूरा ये प्रोसेस था, ये मिस हो गया था आपके सीरीज से। अब ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा नोट्स है, आप ध्यान रखिएगा या आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, कि पूछता है कि कोई जंतु, चाहे हम आप या दूसरे जीव जंतु,
जब अपने भोजन का निर्माण करते हैं, खूब ढेर सारी मात्रा में भोजन हम खाओ कि एकदम आराम से हो जाते हैं, तो देखेंगे कि धीरे धीरे शरीर के अंदर फैट का निर्माण होने लगता है। फैट मतलब वसा का, अर्थात आदमी मोटा होने लगता है ना। तो आदमी मोटा होने मतलब ढेर सारी एनर्जी जब शरीर में एकत्रित होने लगती है तो वो किसके रूप में बदल जाती है? फैट के रूप में बदल जाती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन ये है कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वो किस रूप में अपनी पत्तियों के अंदर स्टोर करते हैं, रोकते हैं? आप बताइए मुझे। स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। जंतु किसके रूप में? फैट के रूप में। और प्लांट स्टार्च के रूप में। आप कहीं कहीं उसको नोट डाउन करते रहिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। इतनी चीजें कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आएगा और जो छोटे छोटे वहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जंतुओं के बारे में। जंतुओं के बारे में स्टार्ट करते हैं तो देखा जाए, जंतु के बारे में अगर स्टार्ट करते हैं तो यहां लिख लेते हैं ह्यूमन। क्या लिखते हैं? ह्यूमन। ह्यूमन मतलब आदमी भाई। पहले सबसे पहले तो यही सबसे बुद्धिजीवी, सबसे पृथ्वी पर राज करने वाला यही है। इसके प्रोसेस को समझना, अर्थात हमें अपने इंटरनल प्रोसेस को समझना है, जो भी चीजें हमारे बॉडी के अंदर होती है उसके बारे में। आप समझिए इस बात को। एक ह्यूमन बीइंग का अगर हम फिगर बना दें तो बहुत बेहतर, सारी चीजें समझ में आती चली जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मानव माउथ, मुख से होते हुए नीचे की तरफ। ये चीजें नीचे की तरफ आती हैं और ये स्टमक यहां से एक राउंड शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये संरचना आगे बढ़ते हुए आगे छोटी आंत में बदलती है और छोटी आंत को चारों तरफ से घेर के रखती है बड़ी आंत। एकदम सिंपल है, मैं आपको बनाना भी सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं उसके बारे में। आप अपने पेन, अपने रफ को रगड़ते रहिए उसी पे, ताकि आपका ये जो फिगर है एकदम सडनली खूबसूरत बेहतर ढंग से बन जाए एग्जाम में। इसके चारों तरफ जो होता है, छोटी आंत के चारों तरफ मोती की माला की समान बड़ी आंत घेरे होती है। ये चारों तरफ से इसको घेर के रखती है ना। नाम तो भाई इसकी छोटी आंत, लेकिन इसकी जो साइज शेप होती है काफी बड़ी होती है, लेंथी होती है। इसके बारे में आगे बताया जाएगा, जाके एनस तक खत्म होती है। यहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है और एनस अर्थात गुदा, गुदा द्वार तक खत्म होता है। ये स्टार्ट होता है माउथ अर्थात मुख से। कहां से शुरू होता है? मुख से। मानव मुख से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है? गुदा द्वार। तो यही क्वेश्चन आपसे पुटअप कर दिए जाते हैं छोटे छोटे। कौन से? कि भाई मानव का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? उसके मुख से प्रारंभ होता है और खत्म कहां पे होता है? गुदा द्वार पे होता है। सिंपल सी बातें हैं, है ना। आप समझिए इस बात को। मानव मुख में, अगर हम मुख की बात करें, अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की माउथ की बात करें, तो भाई मानव का जो मुख होता है चारों तरफ से जबड़ों से घिरा होता है और इन जबड़ों को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मानव मुख में जो होता है दो जबड़े होते हैं, एक निचली जबड़ा होता है, एक ऊपरी जबड़ा होता है। और आप जानते हैं कि इन दोनों जबड़ों में दांतों की संख्या भी कितनी होती है? 32 होती है, नीचे 16 और ऊपर भी 16। अर्थात आपके निचले जबड़े में भी कितने? 16। कितने दांत? 16 दांत। और ऊपरी जबड़े में भी 16 दांत। टोटल संख्या आप जानते हैं 32 होती है। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट था, लेकिन होता क्या है, आपसे क्या पूछता है कि दांतों के प्रकार कितने हैं और उसके कार्य बताइए या डेंटल फार्मूला बताइए। यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो दांत होते हैं जिनकी संख्या जो होती है, अगर हम यहां दांत लिख दें, दांत की अगर संख्या देखी जाती है तो 32 होती है एक ह्यूमन बीइंग में। इन ह्यूमन इस छोटी छोटी पॉइंट्स है, मैं क्लियर कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम बच्चे की बात करें, अगर हम यही बात बच्चे की करें तो 20 होते हैं, इसे हम दूध के दांत कहते हैं। चाइल्ड्स में, बच्चे में, अर्थात इसको यहां लिख देते हैं ह्यूमन एंड चाइल्ड्स। अब ध्यान रखेंगे, अर्थात मानव में 32
और चाइल्ड में 20। दांतों के अगर प्रकार पूछता है तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ध्यान रखेंगे, पहले जो अगर दांतों का नाम याद रखना है तो पहले का नाम होता है कृंतक, कृंतक। दूसरे का नाम रदनक, रदनक। तीसरा जो है वह मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप ड्रा कर लीजिएगा, दो तीन बार ड्रा करेंगे तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, फटाफट 2 मिनट के अंदर पूरा सब कुछ बना के हटा देंगे, है ना। दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, और चौथा होता है चवर्ण। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऊपर भी 4 दांत और नीचे भी 4 दांत। खास करके क्रम लोग मिस कर देते हैं जिससे डेंटल फार्मूला भी मिस हो जाता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यही क्रम है। कृंतक को सी डिनोट करते हैं, कृंतक को कहते हैं कैनाइन, रदनक को कहते हैं, अब बताइए कृंतक का मतलब, सॉरी सी नहीं कहते हैं, यहां मिस हो गया, जो होता है कृंतक को इंसाइजर कहते हैं, इंसाइजर को आई से सिंबल देते हैं, रदनक को कहते हैं कैनाइन, कैनाइन को हम सी से, अग्र चवर्णक को हम कहते हैं प्री मोलर। मैं सिंबलाइजेशन करते चल रहा हूं, आप भी सिंबलाइजेशन याद रखिएगा कि कौन सा पहले कौन सा बाद में होता है, और लास्ट वाला जो होता है ये चवर्णक, ये मोलर होता है। अर्थात कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ध्यान से समझिए, कार्य भी साथ ही बता देते हैं, डेंटल फार्मूला भी यही खत्म कर लेते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि 4 प्रकार के जो टोटल दांत होते, चाहे बच्चे हो, चाहे मनुष्य हो, मानव हो, चाहे उसका चाइल्ड हो, 32 दांत होते हैं, कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्र चवर्णक होता है और चवर्णक होता है। इंग्लिश में उसका वर्जन है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब ध्यान रखिएगा यही फार्मूला आपसे पूछता है। अगर हम इस फार्मूले को सॉल्व कर दें, अर्थात आप यह जान जाइए कि इन सभी दांत हमारे मानव, मतलब हमारे मुख में जो दांतों की संख्या ये थी, जो 4 प्रकार के दांत थे, उनका उनकी नंबरिंग कितनी होती है, हम नंबरिंग भी जान जाएंगे और क्या जान जाएंगे, डेंटल फार्मूला भी जान जाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं फिर से वही कर देता हूं, इंसाइजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर और क्या था लास्ट वाला, मोलर था, अर्थात हमने सिंबलाइजेशन कर दिया, ये ऊपरी जबड़े में होता है, तो भाई निचली जबड़े में भी तो ऐसे ही होता है। फिर कर लीजिए, इंसाइजर प्लस कैनाइन प्लस प्रीमोलर और क्या था, मोलर। टोटल दांतों की संख्या कितनी थी, 32। यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई टोटल की दांतों की संख्या 32 थी, जिसमें 4 प्रकार के दांत थे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ऊपर उसका हिंदी वर्जन है, नीचे उसकी इंग्लिश वर्जन है। आप समझिए, सिमिलर इसी तरह समझिएगा, जो डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला, फार्मूला जो होता है वह मानव का होता है 21 23 बटा 21 23 × 2। अब ध्यान रखिएगा यही क्रम है, मैंने कहा था कि आपको ये क्रम याद रखना है, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, है ना। तो 21 23 बटा 21 23 × 2, खास करके ध्यान दीजिएगा, सब में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 × 2 = 4 हो गए, प्लस 2 × 1 = 2 हो गए, सॉरी 2 × 1 = 2 हो गए, प्लस फिर कितना हो गया, फिर 4 हो गया, प्लस 3 × 6 हो गए। टोटल दांतों की संख्या 6 × 4 = 10, 2 × 12 = 16 दांत, अर्थात 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। टोटल दांतों की संख्या कितनी, 32 दांत। अर्थात हम लोगों ने आज की वीडियोस में क्या क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस, उसके घटक, उसका इंड प्रोडक्ट, उसका फार्मूला क्लियर किया। इसके बाद हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग का स्टार्ट में स्टार्ट किया, और माउथ से हम लोगों ने स्टार्ट किया पहला प्रोसेस, जिसे हम लोगों ने दांत के फॉर्म में डिस्कशन किया, और हमने बताया आपको कि टोटल दांतों की संख्या मानव में 32 और बच्चे में 20 होती है, और खास करके डेंटल फार्मूला आपके एग्जाम में आपसे पुट अप करता है, पूछता है, तो याद रखिएगा कि 21 0
21 23 बटा 21 23। अगर हम चाइल्ड की भी बात कर लेते हैं, चाइल्ड को भी खत्म कर लेते हैं, क्रम भी याद रखिएगा कि कृंतक, रदनक, अग्रचवणक, चवणक ये प्रकार है, दांत के क्या है प्रकार है चार, उनको टोटल दांतों में इसका इंग्लिश वर्जन कर दिया जाए तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, नीचे भी वही सिमिलर। मल्टीप्लीकेशन करते हैं डेंटल फार्मूला निकालने के लिए, टू से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में ये नंबर आता है, आप फिर से समझ लीजिएगा और क्लियर। हाँ, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, एक आपके लिए होमवर्क है। सिमिलर आप यदि चाइल्ड का डेंटल फार्मूला निकाल देते हैं तो बहुत बेहतर होगा आपके आपके लिए, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जितना आपको समझाया है, जितना पढ़ाया है, आपने समझा है और आप अपने एग्जाम के लिए एकदम पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो ये